हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मनीष ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बोलिए बोलिए। हेलो गाइस, हम टीवी दिखा लिए। पेपा पी क्यों चेंज किए? आ तो गया पेपा पी। बस हो गया ना? हाँ बस हो गया। हो गया आप क्या मस्त कैसे आप सब? हो गया? हो गया ना? आज आप लोग का शाम को वेलकम कर रहे हैं। आज सुबह चला गया था मार्केट, थोड़ा कपड़ा वपड़ा लेना था लड़कों को, कहीं जाने की तैयारी हो रही है हम लोग की, तो नैन्सी के लिए एक आध दो कपड़ा तैयार हम कर रही है। घूमने के लिए तो इसको पूछिए मत कि कितना घूमेगी ये, इतनी तेज धूप थी। सुने सुने कहाँ गया था घूमने? सुनिए नैन्सी, अरे नैन्सी कहाँ घूमने गई थी सुनिए तो। बाबू कहाँ घूमने गए थे? अरे सुनिए तो, बोलिए तो। आज तो यहाँ मौसम बन रहा है बारिश का, 8 तारीख से साइक्लोन आने वाला था यहाँ पे, लेकिन कहीं कुछ हता पता नहीं है साइक्लोन का। इतनी गर्मी, इतनी धूप की पूछिए मत। इतने टाइम मौसम हवा चल रही है, ठंडा तो नहीं है मौसम, गर्मी, लेकिन सुबह की अपेक्षा कुछ राहत है। सुबह तो इतनी तेज धूप थी, इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताए, बहुत गर्मी है। 3-4 दिन से यहाँ पर बादल जैसे मौसम है, खूब गर्मी हो रही है। पतिदेव ड्यूटी गया अभी से, कल ऑफ था उनका, तो कल जाने का प्लान था, तो कल शाम को मौसम ख़राब हो गया, तो सुबह धूप थी तो गए ही नहीं। शाम को सोच रहे थे जाने के लिए, मौसम ख़राब हो गया, गए ही नहीं, तो फिर सोचे आज ही चले जाते हैं, बस इसी हफ्ते का टाइम है। तो आज इतनी तेज़ धूप थी, दिन में तो खरीदारी करने लायक नहीं है, बहुत गर्मी है। क्या ढूंढ रहे हो? पॉकेट खोलोगे बेटा? दिखा दीजिए पॉकेट अपना, पॉकेट दिखाने आए थे। शाम हो गया 4:30 बज रहा, चलते चाय वाय बना के पीते हैं। थोड़ा हवा चल रही है, ठंडी हवा है। ये कि बालकनी वालकनी में राहत है कुछ, कमरे में नहीं। ये लड़की या टीवी देखने के चक्कर में कमरे में से निकलती ही नहीं है। बाबू क्या हो गया है? चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, चलते हैं चाय बना के पीते हैं। थोड़ा सा आलू रख दे बॉयल होने के लिए, आलू बॉयल हो जाएगा तो सब्जी बनाने में वो नहीं लगेगा। एक साइड रख देते हैं आलू बॉयल हो जाएगा, एक साइड चाय बना लेंगे। मौसम भी ख़राब है, सुबह सब्जी बना के थोड़ा जल्दी ही रख देंगे, क्योंकि पति देव तो ड्यूटी गए, आएँगे वो 11 बजे तक, तो थोड़ा सब्जी पहले ही बन जाएगा। रोटी लेट बनेगी या फिर उनके आने के बाद बनेगी, तब भी कोई नहीं। रोटी वैसे पहले लेट बनाते थे, अब तो नैन्सी को खिलाना रहता है तो नैन्सी को बना देते हैं, फिर अपने भी 2 रोटी खा लेते हैं, उनके लिए बना के रख देते हैं। अब वो आते हैं तो फिर ऐसे ही गैस पे सेक के गर्म करके घी लगा के दे देते हैं, उनका काम चल जाता है। चलते हैं काम कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए हमने चाय चढ़ा दिया, चाय पक रही है, एक साइड आलू रख दिया उबल रहा है, तब तक चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं। अब चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं, फिर तब तक चाय पक जाएगी। चाय को एकदम स्लो करके रखे हैं, धीरे धीरे पक रही है चाय, तब तक झाड़ू भी लगा लेंगे, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी, शाम को झाड़ू नहीं लगाते। भैया मैं रात का डिनर का तैयारी कर रही हूँ, आलू बॉयल पहले ही कर लिया था, अब परवल की सब्जी बना रहे हैं, आलू और परवल की। परवल को छील के बनाते हैं, क्योंकि पति देव खाते नहीं हैं बिना छिले हुए, तो इसलिए परवल को छील के ही बनाते हैं। वैसे मुझे बिना छिला अच्छा लगता है, लेकिन पति देव नहीं खाएंगे तो इसलिए छील के ही बना रहे हैं।
चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।